आज मणिपुर से दो तस्वीरें सामने आई। एक बीजेपी ऑफिस इम्फाल से, जहां बीजेपी दफ्तर के बाहर हालात बिगड़ने लगे, लोग जुटने लगे तो पुलिस को आंसू के गोले दागने पड़े। दूसरी उसी इम्फाल से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी राहत शिविर पहुंचे, वहां उन्होंने हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। यहां लोग राहुल गांधी से हाथ मिलाते नजर आए, उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और तो और पीछे से आवाज आई, आई लव यू राहुल। ये तस्वीरें मणिपुर के लोगों के गंभीर हालात बयां करने के लिए काफी हैं। कैसे लोग अपने ही राज्य में हो रही हिंसा का शिकार हैं और उसके चलते इन रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता ने बताया कि राहुल को रोके जाने के बाद वो इम्फाल में मैतेई समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे हैं और मोईरांग जाने का भी इरादा है, हालांकि उन्हें वहां भी जाने से रोका जा रहा है। प्लान कैंसिल हो गया, क्या परमिशन नहीं मिला था? मिला था तो जा क्यों नहीं पाए? नहीं, तो जाने नहीं दिया। आपने देखा कि रोक दिया था। और भाजपा वाले और कुछ टीवी चैनल्स वाले जो झूठ चला रहे हैं, महिला लोग जो निकले थे राहुल गांधी के समर्थन में और बैरिकेड तोड़ रहे थे ताकि राहुल जी आगे बढ़ जाए, संबित पात्रा जैसे जो जन्मजात झूठे हैं भाजपा वाले, और संबित पात्रा तो उसका सरगना है। मैंने कहा कि कम से कम आंख में शर्म रखिए, लोगों के जो है दुख के समय जो है इस तरह का बकवास ना करें। कल का क्या प्रोग्राम है? नहीं, पहले तो अपने इस तरह का बकवास ना करें। कल का प्रोग्राम है कि सिविल सोसाइटी से मिलेंगे और मोरंग भी जाने के लिए, अगर ये लोग हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। अभी राहुल जी इस कैंप में जो है मैथी समाज के लोग हैं तो उनसे मिलने के लिए। कल जहां आज नहीं जा पाए कल वहां जाने कोशिश करेंगे। अजय कुमार ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को जन्मजात झूठा बताया। मणिपुर में पिछले दो महीनों से हिंसा देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की और 1000 लोगों के घर जलाए जाने की खबर है। तो कांग्रेस ने 200 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। मणिपुर को लेकर हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार इतने बड़े मुद्दे पर चुप रहने को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। उन्हें विपक्ष घेरता आया है कि आखिर पीएम मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर मौन क्यों हैं? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।